मेरे बाबू की जो तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं दवा के लिए, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ का, पूरे बॉडी पे दिखा रहे हैं। अभी आप लोग को अभी तो सोया है, थोड़ा थोड़ा दिखा पाएंगे, जब जगह तब पूरा दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, बहनी का पट्टी भी चेंज करवाना है। बाबू का तबीयत, रात भर सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो वही जा रहे हैं। अभी दिखा रहे हैं आप लोग को बाबू कैसा है। देखिए बाबू अभी मेरा सोया है, आप लोग देख सकते हैं इसके पूरे नोज पे, फेस पे। देख सकते हैं आप लोग, बाबू को पूरा क्या हो गया, कैसे हो गया, ज्यादा तेज बोलेंगे तो बाबू मेरा जग जाएगा जगह। हाँ ठीक है, भेज देता हूँ। इधर मेरी बहनी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, और पैर में जो है ये पैर का पट्टी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, हॉस्पिटल ही है, ये हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा इधर भीड़ है। अभी तो बहनी का पट्टी चेंज हो गया, नंबर लगा दिए, अब जाएंगे फिर बाबू को लेके आएंगे, प्रांजल को, छोटे वाले बाबू को लेके आएंगे इधर। इधर का ये है, इधर का रोड वगैरह, इधर देखिए सब पेड़ पौधे। यहाँ की घाटी बड़ी स्पेशल है, मेरी बिटिया जब आती है तब यहाँ घाटी खाने के लिए कहती है, वो गए हैं इसके पापा घाटी लाने। इधर सब पपीता का पेड़ है, देखिए ये सब काम चालू है इधर। पापा घाटी लेके आ रहे हैं, देखो पापा आ गए घाटी लेके ना, अब गुड़िया रानी क्या तो लिए। तो इधर देखिए हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं, बहनी को लेके अब बाबू को जाने की तैयारी हो रही है। बाबू का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सब पता नहीं क्या क्या हो गया बाबू के, पूरे हाथ और पैर भी देख लीजिए सब कुछ। तो अभी लेके नंबर लगा के हम लोग आए हैं, अभी थोड़ा टाइम है, 3 बजे हम लोग जाएंगे। क्या है, तो अभी हम बाबू इधर देखो लल्ला मेरे बेटे को, देखिए नाक पे सब निकल गया, पर नाक की सर्दी वर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, बाबू को नाक पोंछ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पारी पारा बच्चों का तबीयत ही ख़राब हो रहा है, इसीलिए जा रहे बाबू को थोड़ा पहनाने, सब देखते हैं जाने बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या हुआ है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है, क्या हुआ है, क्या रिएक्शन किया है, क्या नहीं, देखते हैं जाने के बाद से, उसके बाद से फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो इधर जो है हमारा, हम आ चुके हैं दवा वाले के, काफ़ी टाइम भी हो गया, बाबू को दवा खिलाए हैं पूरा, मतलब वो मालिश करने वाला जो है वो सब बाद में बताएंगे अभी, लेकिन फिलहाल अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं। इधर आटा सान के हम रख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, तावा रखे हैं गर्म होने के लिए, सब्जी भी बन चुका है मेरा, मेरे बच्चे जो हैं कुछ। तो हम अभी ऊपर आ गए हैं, मेरे बेड का हालत आप लोग देख सकते हैं कि कैसा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, क्या है ना कि बाबू सुसु कर दिया था गद्दा पे, तो इसके लिए मैं धूप में डाली थी गद्दे को, धूप में डाली थी, तो वही टाइम नहीं मिला, बस छत पर से ला के नीचे रख दिए हैं। और अब जा रहे हैं, बिस्तर सब बिछाएंगे, बच्चों को ऊपर से नीचे से ला के ऊपर से लाएंगे, खाना ना बना लिए, अभी खाना कोई खाया नहीं है, फिर सोचें पहले बिस्तर सब बिछा लें। बाल झड़ के एकदम देख लीजिए कैसा हो गया, पतला पूरा बाल झड़ गया है, थोड़ा भी एकदम थोड़ा बचा है, ये सब तो बीच में एकदम झड़ गया था, ये सब है ना जो बाल, ये सब एकदम झड़ गया था, इसीलिए नया बाल। तो सबको ये लगता है, सबको ये लगता है कि मैं काटी हूँ ये सारे बाल, छोटे छोटे जो हो गए आगे ना, सबको ये लगता है कि मैं बाल काटी हूँ, लेकिन काटी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब झड़ गया था, खाली हो गया था, वापस से सारा बाल आ रहा है इसमें मेरा, तो इसके लिए लगता है। मैं आटा सान रही थी इसके लिए, साथ में चूड़ी निकाल के साथ में पहन ली हूँ, क्योंकि वेलवेट का चूड़ी है तो आटा आटा लगेगा, पानी लगता है, ख़राब हो जाता है, मैं दवा के लिए गई, इसलिए जा रही हूँ चूड़ी चेंज कर लूँगी, क्योंकि घर में पहनो इतना इतना चूड़ी अच्छा नहीं लगता है कि घर में पहने रहो। अब जा रहे हैं उस रूम में, ठीक आप लोग को दिखाते हैं, इधर थोड़ा अंधेरा आ गया,
लाइट, ओ ओ लाइट आ गया। इस रूम का हालत आप देख सकते हैं, कूलर के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है सारा सामान। मैं कल दवा के ले गई थी साड़ी पहन के, वो साड़ी वैसे मैं रखती हूँ अभी, अभी साड़ी भी नहीं सही की हूँ। ओ आ, बस फालतू काम होता रहता है। ये भी चूड़ी रखने के लिए कमी होता है ये डिब्बा, क्योंकि चूड़ी ज़्यादा होता है हर साड़ी पे, हर त्यौहार पे चूड़ी खरीदो तो चूड़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे मैं घर में ज़्यादा चूड़ी पहनती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है, कहीं आओ जाओ तो पहन लो। वेलवेट का इसलिए चूड़ी लो कि मतलब हर एक बार लो तो कई बार चलेगा, और ये कांच का चूड़ी लो फूट जाता है, अच्छा सही नहीं होता है, फूट जाता है बार बार। तो फटाफट से चेंज कर लूँ, उसके बाद से जा रहे हैं हम, पूरा मतलब बिस्तर से बिछा देंगे और थोड़ा छोटा है ना इसीलिए दर्द कर रहा, हो नहीं रहा है, कंगन पहन लेते हैं। तो अब मेरा हो गया, दवा लाला के मैं परेशान हुई हूँ बच्चों का, क्योंकि बहनी बाबू सबका तबीयत ख़राब है, तो बार बार दवा लाओ इसलिए परेशान हो गया, रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जा जा के दवा लाला के। अभी पूरी ठंडी बाकी है और अभी से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया था, बाबू का है ना पूरा इन्फेक्शन हो गया है, देखेंगे आप लोग वीडियो में, पहले ही पूरा इन्फेक्शन हो गया है। और बाहर बच्चे जो हैं बहुत शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मैं पहले अपना रूम ठीक कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा टाइम बाद। ओके तो देखिए मैं अपना बेड सही कर लिया, अपना रूम मैंने सही कर लिया है, और बाबू के लिए खाना भी लेके आई हूँ खाने के लिए, बाबू भाई बोलो। तो गर्मी हो रही है बाहर से घूम के आज, तो गर्मी हो रही है, तो बोला मम्मी पंखा चालू कर दो, और मेरी बिटिया जो है पता नहीं क्यों ने में पे पे कर रही है बार बार, तबीयत नहीं ठीक है तो बार बार वो कर रही है। देख रहा हूँ देखो इसका बदमाशी क्या कर रही है, आओगे मियाँ, ये बिटिया जो खाली रो रही है, देख सकते हैं, चुप हो जाओ तो तुमको नहीं पिलाना है, वो प्रांजल बेटा को पिलाना है, संस्कार है वो प्रांजल को पिलाना है, लल्ला तुम्हारा दवाई थोड़े ना है ये भाई नहीं, इसको लग रहा है कि ये इसका दवाई है इसीलिए परेशान हो गई है। हटो बाबू ले तो छुपा दो थोड़ा दवाइया, ठीक है दवा ला ला के खिला खिला के परेशान, लो बेटा ले जाओ तो घर में छुपा दो, इसका दवाई नहीं तो भी रोने लगे जाओ, हाँ छुपा दो, क्योंकि मेरी रानी बेटी की दवाई थोड़े ना, मेरी रानी बेटी तो अच्छी हो गई है ना, तबीयत ठीक हो गया बेटा, अब थोड़े दवाई पीना है। तो मेरी बहनी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी इसलिए मैं वीडियो को बंद कर दी थी। देखिए अभी थोड़ा बहुत दो चार कौर खाना खाई और उसके बाद से सो गई है, देखिए पता नहीं क्या हुआ है बच्चों को, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं ढंग से, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। ये है मेरे बाबू का दवाई जो मैं बता रही थी, देखिए आप लोग कितना सारा दवाई खा खा के बच्चे परेशान हो गए हैं, सब बाबू और बहनी। कल इतना सारा बहनी का दवा लेके आई और कल रात में बाबू का मेडिकल पर से दवा आया, और ये है जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ना, तो ये ट्यूब है, ट्यूब है उसको, मतलब पूरे जितना सब कुछ हुआ है सब पे मालिश करने के लिए लगाने के लिए।
चलिए ठीक है, फिर वीडियो में इतना ही, चलते हैं अभी बाहर, छोटे वाले बाबू को भी नीचे से लेके आना है, दवा खिलाना है, पूरे बॉडी पे मालिश करना है, खाना ना भी सबको देना है, खाना है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में आप लोगों से, ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।